फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर ब्यूटीफुल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी बालों के बारे में, जिनके बालों को टूटने की, झड़ने की, बालों के गिरने की बहुत ज्यादा समस्या है और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बनी हुई है लोगों को। तो फ्रेंड्स, मैं आज कोई रेमेडी आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। आज मैं सिर्फ एक नई जानकारी के साथ आपके साथ कुछ बातें अपनी शेयर करूंगी फ्रेंड्स, और उसमें आपको मैं बताऊंगी एक मेडिसिन, जो मेडिसिन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी और आप इसे जब रेगुलरली में यूज करेंगे इस मेडिसिन को, तो आई होप आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। यदि आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे आने वाले वीडियोज का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में, और फिर दूसरे नंबर पे बात करूंगी जिनको नॉर्मली प्रॉब्लम है उनके बारे में। तो पहले मैं बात करूंगी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के बारे में, यानी कि पुरुषों में जो गंजापन होता है ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। ये पीढ़ी दर पीढ़ी प्रॉब्लम होती है जेंट्स को फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम लेडीजों में बहुत कम पाई जाती है, जेंट्स में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी जेंट्स के लिए कि फ्रेंड्स, आपने ना स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है और अच्छी डाइट लेना है, और यदि आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम नहीं हो इस वजह से मैं आपके साथ एक मेडिसिन शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन में बात करूंगी पम्पकिन सीड ऑयल के बारे में। फ्रेंड्स, पम्पकिन सीड ऑयल जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जिनको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि ये जो बाल यहां गिर जाते हैं, जेंट्स के यहां गिरते हैं पीछे की साइड में, तो उसके लिए ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगी पम्पकिन सीड ऑयल मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, पम्पकिन टू टाइप के होते हैं, एक पम्पकिन होता है ग्रीन, एक होता है येलो। तो फ्रेंड्स, पम्पकिन येलो पम्पकिन सीड ऑयल यदि आप लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, पम्पकिन सीड की मेडिसिन आपने कैसे लेनी है और किस तरीके से इसको यूज करना है मैं आपको बताती हूं कि आपने क्या करना है। पम्पकिन सीड ऑयल ले लीजिए मार्केट से और उसकी कुछ ड्रॉप्स को लेकर अपने बालों में, जहां पे आपको गंजेपन की प्रॉब्लम है वहां पर आपको मसाज कर लेनी है, और धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है और इस तरीके से प्रेस करके एक्यूप्रेशर पॉइंट, इस तरीके से आप अपने बालों में इस तरीके से प्रेस कीजिए। एक्यूप्रेशर पॉइंट को यूज करना है इस तरीके से आपको, और करने के बाद आप मसाज करने के बाद, और इसी पम्पकिन सीड ऑयल को आपको अपनी डाइट में भी लेना है। डाइट में कैसे लेना है मैं आपको बता देती हूं कि डाइट में आपको फर्स्ट डे से फिफ्थ डे तक आपने एक कप गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में आपको एक बूंद या दो बूंद ड्रॉप उसमें डालकर सुबह शाम लेना है एक कप पानी में, और इसे रेगुलरिटी में लेना है। और थोड़ा सा 5 डेज के बाद जब आप थोड़ा सा रेगुलरिटी में आगे बढ़े, तो रेगुलरिटी में जब आप इस ड्रॉप को लेंगे तो आपको 3 या 4 ड्रॉप बढ़ा देनी है, और उसमें एक कप गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में इसको जो डोज है इसको लेना है, ड्रॉप को डाल के सुबह शाम लेना है। तो फ्रेंड्स, इसे आप रेगुलरिटी में कीजिएगा और लगाइएगा। और इसके साथ में एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये जो मैंने पम्पकिन सीड ऑयल आपको बताया है ये बहुत ही फायदेमंद होगा आपके लिए। और दूसरा मेडिसिन मैं आपको और बता देती हूँ कि फ्रेंड्स, विटामिन्स जो होती हैं, कुछ विटामिन्स होती हैं जो हमारे शरीर में, जिनकी कमी की वजह से हमारे बाल बहुत जल्दी गिरते हैं, जैसे कि विटामिन B2 है, B5 है, B6 है, जिंक है, सिलीनियम है, ये लाइकोपिन है, ये कुछ विटामिन्स होती हैं जिनकी कमी से भी हमारे बालों का गिरना, टूटना, झड़ना बहुत होता है। तो फ्रेंड्स, इन सब का पूर्ति एक मेडिसिन है जो मैं बताती हूँ कि उस मेडिसिन में ये सारी विटामिन्स आपको मिल जाएंगी। तो मैं बात करूंगी जैसे कि ग्रेप्स है, ग्रेप्स आप ज्यादा मात्रा में खाइएगा, वाटरमेलन है उसको खाइएगा, अगर ग्रेप्स आपको मार्केट में नहीं मिलते हैं तो आप किशमिश को खाइएगा, किशमिश से बहुत ये विटामिन्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी। बीट रूट्स है,
यानी कि चुकंदर है, कोकोनट वाटर है, ये जब भी आपको मौका मिले रेगुलरली में आप इन चीजों को अपनी डाइट में लेते रहिएगा। और एक फ्रेंड्स जिनको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ, एक मेडिसिन और मैं बताती हूँ आपको कि फ्रेंड्स व्हीट ग्रास जूस यानी कि गेहूं के जो पत्ते होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो छोटे छोटे, उनका जूस निकाल के आपने एक कप सुबह एक कप शाम को रेगुलरली में लेना है, तो आपकी जो पंपकिन सीड ऑयल मैंने बताया वो तो आपको यूज करना ही है, और ये जूस जो मैं बता रही हूँ और ये जो फ्रूट्स मैं बता रही हूँ वो आपको रेगुलरली में आपको लेना है, यानी कि व्हीट ग्रास जूस आपको सुबह शाम एक एक कप रेगुलरली में लेना है, और फ्रेंड्स जब तक लेना है जब तक आपकी ये समस्या दूर ना हो जाए तब तक। फ्रेंड्स तो ये जो पंपकिन सीड ऑयल आप रेगुलरली में यूज करेंगे तो आपके जो बाल चले गए हैं, मतलब गंजापन जो आ गया है, वो बाल आपके वापस आने लग जाएंगे और बाल आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये मैं बात कर रही थी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया यानी कि जिनको जेनेटिक प्रॉब्लम है उनके लिए ये मेडिसिन मैं बता रही थी, तो ये आपको लेनी है रेगुलरली। फ्रेंड्स अब मैं बात करूंगी नॉर्मल ली लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, यानी कि लेडीज को, बच्चों को, या फिर बॉयज या गर्ल्स यंग एज के जो होते हैं जिनको बाल गिरने की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो उनके लिए भी मेडिसिन में बताऊंगी उनको मेडिसिन में अपने क्या लेना है। फ्रेंड्स एक बात और मैं बताऊंगी कि प्रॉब्लम किस वजह से होती है कि लेडीज हैं, बच्चे हैं, यंग एज के लड़के लड़कियां हैं जो भी हैं, उनको ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होती है, ये कुछ खान पान में गड़बड़ी की वजह से या हार्मोन्स के गड़बड़ की वजह से, हार्मोन्स के चेंज होने की वजह से, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं स्टे कर रहे हैं या रहने लग जा रहे हैं आप कहीं पे और वहां का हवा पानी आपको सूट नहीं कर रहा है, या फिर कोई डाई वगैरह आप यूज कर रहे हैं उसके जो उसका इन्फेक्शन है, या फिर उसकी जो क्या कहना चाहिए मुझे, जो प्रॉब्लम है आपके बालों में हो रही है उसकी वजह से, क्या कहना चाहिए मुझे, मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स मजाक में मत लीजिएगा, सीरियसली मैं आपको बता रही हूं कि ये जो प्रॉब्लम डाई की वजह से भी हो सकती है, कलर्स वगैरह लड़के लड़कियां बालों में अपने यूज करते हैं उसकी वजह से भी बालों का गिरना झड़ना बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रेंड्स मैं बात करूंगी कि डाइट अच्छी लेना बहुत जरूरी है, और मेडिसिन में आपको बता देती हूं कि विटामिन B2, 5, 6, जिंक, सिलीनियम और लाइकोपिन, ये सब आपको फ्रूट्स में मिलेंगे। ग्रेप्स ज्यादा मात्रा में खाइए, वाटरमेलन खाइए और बीट रूट्स लीजिए, कोकोनट वाटर लीजिए, ये सब जो फ्रूट्स हैं आपको ज्यादा मात्रा में खाना चाहिए जिससे आपके बालों की जो समस्या है गिरने की वो काफी हद तक दूर होगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। फ्रेंड्स और मैं बात करूंगी फ्रेंड्स व्हीट ग्रास जूस की। तो व्हीट ग्रास जूस फ्रेंड्स आपको लेना है सुबह शाम एक एक कप रेगुलरली में लेना है आपको। आपने अगर नहीं मिलता है कहीं पे तो आपने क्या करना है, वैसे तो खेतों में ही आपको ये व्हीट ग्रास मिल सकती है, लेकिन यदि आप ऐसे व्हीट ग्रास यूज कर सकते हैं जैसे कि आप अपने गमले में फ्रेंड्स मेरे फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अपने गमले में जो वीट है यानी कि गेहूं है उनको उगा लीजिए और उगा के उसके जो प्लांट्स हैं उसका जूस निकाल के सुबह शाम एक कप जरूर रेगुलरली में लीजिए, तो आपके बालों की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो मैंने आपको विटामिन बताई हैं B2, 5, 6 और जिंक, सिलीनियम और लाइकोपीन, ये फ्रेंड्स आपको आसानी से इस व्हीट ग्रास जूस में मिलेंगी जिससे आपके बालों के गिरने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और फ्रेंड्स ये जो मैं जानकारी आपको दे रही हूं बहुत ही फायदेमंद रहेगी आपके लिए, बहुत ही फायदेमंद रहेगी, तो आप इसे रेगुलरली में जरूर यूज कीजिएगा फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब